तो गाइज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक छोटा सा जेट प्लांट है जो थोड़ा बहुत मामे बोनसाई जैसा दिख रहा है। सो गाइज़ इसको मैं आज इस पॉट के अंदर शिफ्ट करने वाला हूँ। इसका रीज़न ये है कि इसके पहले कल तक ये जो प्लांट है ये एक प्लास्टिक ग्लास में था, ऐसे प्लास्टिक ग्लास में, और उसके अंदर कोकोपीट था। तो कोकोपीट की वजह से ये 4 से 5 दिन से हैवी बारिश के अंदर, मतलब ज़्यादा बारिश के अंदर ये था, तो पूरा अंदर तक ये गीला हो चुका था, पानी भर चुका था। और गाइज आपको पता होगा कि कोकोपीट जो है वो जल्दी सूखता नहीं है, और जेट प्लांट एक सकेलेंट प्लांट है, और सकेलेंट प्लांट को ज़्यादा देर पानी में रहना नहीं चाहिए। उसके जो रूट्स हैं वो सड़ने लगते हैं, या तो उसके जो स्टेम्स हैं वो सड़ने लगते हैं। सो गाइज मेरे एक दो पेड़ हैं वो जो सड़ चुके हैं ऑलरेडी। तो गाइज मैं नहीं चाहता था कि ये सड़े, और ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिनको मैं शिफ्ट करूँगा। तो गाइज इसको मैं आज इसके अंदर शिफ्ट करूँगा, तो आप देख सकते हो इसका जो लुक आएगा वो कितना ब्यूटीफुल और क्यूट लुक आएगा इसका। सो गाइज इसके अंदर अभी मैं कोकोपीट यूज़ नहीं करूँगा, बारिश का सीज़न चल रहा है तो मैं उसके अंदर यूज़ करूँगा ये ब्रिक्स के टुकड़े, जिसको हम ईंट कहते हैं, ईंट के टुकड़े हम मैं डालने वाला हूँ इसके अंदर, फिर इसको इसके अंदर सेट कर दूँगा। तो चलिए गाइज इसके रूट्स को इसके हिसाब से थोड़ा रखेंगे, कट करेंगे, फिर इसको इसके अंदर शिफ्ट कर देते हैं। सो गाइज हम जितने भी ईंट्स के टुकड़े हैं मैं इन सबको पहले शेक कर लूँगा, ताकि जो बड़े टुकड़े हैं वो ऊपर आ जाए। हम क्या करेंगे, बड़े वाले टुकड़े पहले अंदर डाल देंगे, क्योंकि इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ज़्यादा होना चाहिए, कि बड़े टुकड़े से पानी जल्दी ड्रेन हो जाता है, और सारे छोटे टुकड़े हम ऊपर डाल देंगे ताकि उसके रूट्स को सपोर्ट मिले। और गाइस ये जेट प्लांट है, अगर आप इसको हफ्तों या महीनों तक भी पानी नहीं डालोगे तो भले ही सूख जाएगा बट ये मरता नहीं है। तो गाइस बड़े टुकड़े हमने नीचे डाल दिए हैं ड्रेनेज के लिए। अब उसके ऊपर थोड़ा सा हम डालेंगे छोटे वाले टुकड़े, आप देख सकते हो यहाँ पे, ताकि वो जो जगह है वो इवन हो जाए। जी गाइस अभी इसका जो जगह है वो थोड़ा इवन हो रहा है धीरे धीरे। तो गाइज अब हम इसके ऊपर अपने प्लांट को रख देंगे। सो गाइज इसका जो रूट है वो बहुत बड़ा है, इसके अंदर अच्छे से फैलेगा नहीं, तो हम इसके आधे रूट्स को कट कर देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ से मैं इसको कट कर रहा हूँ। कट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके रूट्स को थोड़ा फैलाएंगे ताकि वो अंदर अच्छे से बैठ जाए और बाद में अपना रूट सिस्टम अच्छे से ग्रो कर सके। जो रूट्स जिस तरफ से ग्रो किया है उसको उसी तरफ हम मोड़ देंगे। और गाइज इसको मैंने पूरा एक दिन पंखे के नीचे सुखाया है, बेयर रूट्स। जी गाइज बिना मिट्टी के मैंने इसको सुखाया है, तो एक दिन ये पूरा ये जो रूट्स है और ये प्लांट है बिना पानी बिना सॉइल के सूख रहा था। जी गाइज ये इस एक तरफ आ नहीं रहा है बट हम फिर भी ट्राई करेंगे। जी गाइज ये एक तरफ से आ गया है, इसके रूट्स को हम अंदर भेज देंगे, अगर आप देख सकते हो तो। जी गाइज अगर आप देख सकते हो तो देखिए इसके रूट्स को हमने अंदर भेज दिया है। और अब जो है हम सारे बचे कुचे सॉइल को इसके ऊपर डाल देंगे। जी गाइस सो गाइस सपोर्ट के लिए हम शायद एक दो पत्थर इसके आजू बाजू रख दें, एक हफ्ता हम रख देंगे, उसके बाद ये अपने आप को सेटल कर लेगा उसके बीच में।
सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो प्लांट है वो रेडी है। मैं शायद थोड़े से और इसके अंदर ब्रिक्स के टुकड़े डाल दूँगा, चलो डाल ही देते हैं। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कुछ थोड़े बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे डाल दिए हैं, ईंट के ही टुकड़े डाले हैं, जिसकी वजह से उसको अभी सपोर्ट मिल रहा है बैठने के लिए और अब वो स्टेबल है यहाँ पे। सो गाइज अभी मैं इसको अगर चाहूँ तो बारिश में भी रख सकता हूँ, क्योंकि जो ईंट जो है ब्रिक्स है वो पानी पकड़ते नहीं, सारे पानी वो ड्रेनेज सिस्टम से बाहर निकाल देते हैं और मॉइस्चर भी रखते हैं, तो अभी मेरे पेड़ को कोई इशू नहीं है। सो गाइज वो अभी बिल्कुल ठीक है।